हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 27 फीट बाई 50 फीट का है। 27 फीट इस प्लान का विड्थ है और 50 फीट इस प्लान का लेंथ है, लंबाई है। और इस प्लान का ऑप्शन वन मैंने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो प्लान नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लान को देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। और ये जो प्लॉट है, ये वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है। वैसे तो बाकी यहाँ पे दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने अपने प्लॉट के ही अंदर यहाँ पे कुछ ज़मीन छोड़ रखी है, कुछ जगह छोड़ रखी है, ताकि हमारे घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो और रास्ता मिले जिससे हम अपने घर के पीछे की तरफ भी जा सकें, क्योंकि ये प्लॉट काफ़ी लंबा है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रीनरी एरिया लगाया गया है और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। घर के अंदर जाने का मेन जो दरवाजे हैं वो ये होगा। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डायमेंशंस जो लिखे हुए हैं वो साफ साफ दिखाई दें। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में जो लाइन्स हैं वो बालकनी की लाइन्स हैं, जो कि हमारे छज्जे बोलते हैं, छज्जे की लाइन है। और इसके बाद से ये हमारे घर के अंदर का एंट्रेंस जो है वो 4 फीट चौड़ा है और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। बाहर में यहाँ पे कार पार्किंग दी गई है जो कि 8 फीट वाइड है यहाँ पे और 18 फीट 6 इंच यहाँ पे इसका लंबाई है। ये जो कार पार्किंग का जो लेवल है जो कि हमारे ग्राउंड लेवल से 6 इंच नीचे रहेगा, तो कि और ये जो एरिया है वो 3 फीट ऊपर रहेगा। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे, तो चलिए अभी पहुँचते हैं अपने घर के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं पूरी बालकनी है यहाँ पे, जो 3 फीट 6 इंच चौड़ाई है और यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 2 फीट की चौड़ाई है। और यहाँ पे जो विंडो देख रहे हैं W4 जो कि 4 फीट वाइड है। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो इधर से हम होते हुए अपने ऊपर की तरफ अपने सिटिंग एरिया में जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से सीढ़ियाँ अप हो रही हैं, 3 फीट वाइड है। और इसकी सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है, टॉयलेट बिलो स्टेयर्स यहाँ पे है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 फीट लंबाई है, 4 फीट 9 इंच चौड़ाई है। यहाँ पे हमने अपने ही जगह पे ये जो आप ब्लू कलर ये लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये बाउंड्री वॉल की लाइन है, तो 3 फीट वाइड यहाँ पे जगह छोड़ रखा है अपने बाउंड्री वॉल। यहाँ पे 5 इंच की बाउंड्री वॉल आ जाएगी, इसके अंदर हमने 3 फीट जगह छोड़ रखा है। इधर में भी हमने 5 फीट जगह छोड़ रखी है और यहाँ उसके बाद हमारी बाउंड्री वॉल आएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था सीढ़ियों की, तो यहाँ पे जो टॉयलेट का जो स्मेल का जो है इशू जो है वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो फैन आ जाएगा जो कि हमारे अपने ही पोर्शन में ओपन होगा, अपने ही एरिया में ओपन होगा। तो इधर से यहाँ पे जो स्मेल होगा वो सीधे यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा और इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगा। इसमें जो टॉयलेट के डोर की साइज की बात करें तो 2.5 फीट चौड़ा है, वाइड है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाएंगी और उसके नीचे यहाँ पे टॉयलेट आ जाएगा, जो कि हमारे बाहर वालों के लिए या गेस्ट के लिए आप इस टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ उठते जाएंगे। जब यहाँ पे 3-4 स्टेप्स उठेंगे तो यहाँ पे 3 फीट की हाइट मिल जाएगी हमारे इस स्लैब को। यहाँ पे हमारे जो किचन, यहाँ पे माफ करें, यहाँ पे जो गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम या सिटिंग रूम के लिए जो स्लैब यहाँ पे मिल जाती है, जो इसका जो लंबाई है यहाँ पे 15 फीट है और 11 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है। यहाँ पे दो गेस्ट रूम में 2 विंडो मिल जाते हैं जो कि 4 फीट बाई 4 फीट के हैं, तो 2 विंडो मिलते हैं जिससे हमारे गेस्ट रूम के अंदर उजाला बहुत अच्छे से रहेगा। और इधर से यहाँ पे अभी चलेंगे गेस्ट रूम से आगे, तो यहाँ पे 3 फीट 9 इंच यहाँ पे वाइड यहाँ पे पैसेज छोड़ा गया है जिससे हम अपने घर के अंदर और भी अंदर जाते जाएंगे। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाहर से ही दिया गया है जो कि 7 फीट 6 इंच यहाँ पे लंबाई है, 5 फीट इसका चौड़ाई है। वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो फैन आ जाएगा तो जो स्मेल होगा इस टॉयलेट एंड बाथरूम का वो सीधे इधर हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जो हमने जगह छोड़ रखी है इधर में निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लॉबी एंड डाइनिंग एरिया दिया गया है जिसमें हमने यहाँ पे खाने के लिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं जिस पे आराम से 6 लोग बैठ सकते हैं। 12 फीट 2 इंच का लंबाई मिल जाता है, 9 फीट 6 इंच चौड़ाई है यहाँ पे। और यहाँ पे सोफे भी प्लेस किए गए हैं। और इधर से हम अपने स्टोर में आ जाएंगे, सामने एक स्टोर मिल जाता है, 8 फीट लेंथ में है, 6 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे जो भी हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान होगा, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो अपने स्टोर में रख सकते हैं। यहाँ पे स्टोर में भी विंडो मिल जाता है जो कि 4 फीट वाइड है, 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो मिल जाएगा।
जो कि हमारे अपने ही जगह में यहाँ पे ओपन होता है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे 5 फीट चौड़ा यहाँ पे पैसेज मिल जाता है। तो इधर से भी हम अपने घर के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि पीछे में भी यहाँ पे काफ़ी जगह है। तो यहाँ पे भी मैं बात कर रहा था लॉबी एंड डाइनिंग की, इसी के सामने यहाँ पे वॉश एरिया दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे इस जगह का इस्तेमाल है जो वॉश एरिया कर सकते हैं। 4 फीट 4 इंच यहाँ पे चौड़ाई है, और 7 फीट 6 इंच लंबाई मिल जाता है। यहाँ पे विंडो मिल जाता है 4 फीट बाई 4 फीट का। तो इधर से जो रोशनी की जो प्रॉब्लम है, यहाँ से भी इसके लिए भी दूर हो जाएगी, इधर से भी प्रॉपर रोशनी आएगी। चलिए अभी बात करते हैं इसमें बेडरूम्स की। तो यहाँ पे सीधे एंटर करेंगे अपने बेडरूम में। यहाँ पे 14 फीट लेंथ में कमरा मिल जाता है, और 11 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेडरूम दिया गया है, और इस कमरे का जो विंडो है वो इधर मिल जाता है, तो 4 फीट चौड़ा है। और इस कमरे के अंदर जाने के लिए जो दरवाज़ा दिया गया है 3 फीट वाइड है, चौड़ा है। तो इस कमरे के लिए भी प्रॉपर उजाला मिलेगा, और इससे अटैच टॉयलेट का ऑप्शन दिया गया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले किचन की बात कर लेते हैं। 14 फीट लेंथ लंबाई में मिल जाता है, और 8 फीट 2 इंच चौड़ाई है, और यहाँ पे जो डी जो है 2.5 फीट चौड़ा है दरवाज़ा। तो इस किचन के लिए जो विंडो मिलता है, यहाँ पे हमारे राइट साइड पे वाले पोर्शन में हमने अपना जो 5 फीट चौड़ा पैसेज छोड़ रखा है, इधर से हमने विंडो ओपन किया है। जो किचन के अंदर का जो स्मोक होगा, जो धुआं होगा, वो इस विंडो से बाहर की तरफ चला जाएगा। और पीछे में भी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़मीन है, तो पीछे में भी हमने यहाँ पे एक डोर दिया है जिससे हम अपने पीछे वाले पोर्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पे बैकयार्ड जो मिल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो विंडो मिल जाता है ये भी 4 फीट चौड़ा है। तो इधर से पीछे से जो रोशनी आएगी वो भी हमारे इस किचन के अंदर उजाला रखेगी। तो मैं बात कर रहा था बैकयार्ड की, तो यहाँ पे काफ़ी जगह है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हमें पीछे जगह नहीं है तो आप ये विंडो नहीं ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप इस साइड के विंडो से काम चला सकते हैं। यहाँ पे इस टॉयलेट एंड बाथरूम की बात कर रहा था मैं, इस बेडरूम से जो अटैच है, जो कि 8 फीट लेंथ में है और 5 फीट चौड़ाई है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा टॉयलेट एंड बाथरूम अटैच मिल जाता है, जिससे इस कमरे के अंदर रहने वाले व्यक्ति को काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीछे में हमारे इस क्लाइंट के पास काफ़ी जगह थी, तो इसके लिए मैंने पीछे की तरफ भी यहाँ पे काफ़ी जगह छोड़ रखा है इन्होंने, तो काफ़ी यहाँ पे विंडो के लिए हेल्प मिल जाती है। अगर आपके पास पीछे जगह नहीं है तो आप इन सब विंडो को नहीं प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे आप मुझसे कमेंट में पूछें, और अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।